दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी बिघा स्कूल के समीप वरबिघा बिहार शरीफ मुख्य मार्ग पर बाईपास में आज एक साइकिल सवार को बचाने में जाइलो गाड़ी पुल के नीचे गिर गई, जिससे जाइलो पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र अंतर्गत भुआपुर गांव निवासी रामचंद्र पंडित के 33 वर्षीय पुत्र विभीषण कुमार पंडित के रूप में की गई है। बताया जाता है कि विभीषण अपने ननिहाल निजमपुरा में रहते थे और आज किसी काम से अपने गांव गए थे और वापस जाइलो से घर लौट रहे थे। इसी दौरान धोबी बिघा गांव के समीप वरबिघा बिहार शरीफ मुख्य मार्ग पर एक साइकिल सवार युवक को बचाने के कारण जाइलो गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई, जिससे यह घटना घटी है और घटना में एक की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दी है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से जाइलो गाड़ी पुल के नीचे खाई में गिरी है, जिसे जेसीबी के सहारे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वही घटना के बाद आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई है। फिलहाल थानाध्यक्ष ने बताया है कि घायल सभी लोगों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और मामले की छानबीन की जा रही है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।